good morning children today in previous video we have to read about the acid and their behaviors now today we have to read about the classification of an acid classification in the sense how you can classify the different types of acids because of आर्ट पे आपके जो एसेट्स हैं वो अलग अलग कैटेगरीज में प्रेजेंट्स होते हैं आप उनको उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उनकी फ़िजिकल बिहेवियर्स के अकॉर्डिंग उन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं एसेट्स कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज एज पर देयर सोर्स एंड द प्रॉपर्टीज़ एसेट्स को हम डिफरेंट वेज़ के थ्रू अलग अलग तरीके से क्या से क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देअर सोर्सेज यानी वो कहाँ से हमें ऑप्टेन होते हैं एंड वॉट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द पर्टिकुलर एसेट्स नंबर वन मिनरल एसिड एसिड विच आर मेड फ्रॉम मिनरल्स आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स वो एसिड्स जो कि हमें मिनरल से ऑप्टेन होते हैं मीन्स दीज आर द नेचुरल अक्रिंग एसिड्स ठीक है अर्थग्रह से मिलते हैं या मिनरल सब्सटेंसेज से हमें एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं दीज एसिड्स आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स फॉर एक्जाम्पल एच सी एल इट्स नेम इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच सी एल हम लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच टू एस ओ फोर सल्फ्यूरिक एसिड एच एन ओ थ्री नाइट्रिक एसिड दीज आर कॉरेजिव इन नेचर यह आपके कैसे होते हैं कॉरजिव इन नेचर होते हैं मीन्स दिस शो इज द बर्निंग सेंसेशन या आपका जो है वो बर्निंग सेंसेशन शो करते हैं मीन्स या आपके स्किन पे या फिर मेटल पे या किसी सरफेस पे अगर इनको हम गिरा देते हैं या फिर ये कभी गलती से भी गिर जाते हैं तो ये हमारी स्किन को जला देते हैं या समटाइम्स आपने कभी सुना होगा कि एसिड अटैक्स सुने होंगे बहुत सारे कि कुछ लोग फेस पे एसिड डाल देते हैं या आप लाभ में काम कर रहे थे आपके ऊपर एसिड जो है वो गिर गया तो वो एसिड जो आपके ऊपर गिर गया या जो किसी एसिड अटैक्स में होते हैं तो वो उसमें आपकी जो स्किन होती है उसको टोटली totally बर्न कर देते हैं एंड ऑन दैट वी हैव टू यूज मिनरल एसिड्स उन सभी के लिए जो हम एसिड यूज करते हैं वो आपका होता है मिनरल एसिड नंबर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड दीज आर नेचुरल अकरिंग एसिड्स ये आपके नेचुरली अक्रिंग एसड्स होते हैं ये माइल्ड होते हैं माइल्ड इन द सेंस कि इनकी जो सेंसिटिविटी होती है बहुत कम होती है ये आसानी से खाए जा सकते हैं इडेबल होते हैं बिकॉज ऑफ एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स वो एसड्स जो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं मीन्स ये एसिड्स आपके एनिमल्स में भी प्रेजेंट होते हैं और प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड लैक्टिक एसिड इसका फॉर्मेशन हमारी बॉडी में होता है जब क्या कहते हैं कि आपकी जो बॉडी में जब ग्लूकोज का इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है जब आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है आप बोल सकते हो कि उनको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलती है ऑन दैट टाइम दे फॉर्म अ लैक्टिक एसिड एसिटिक एसिड इट्स कॉमन नेम इज़ वेनिगर एसेटिक एसिड जो है इसका कॉमन नेम होता है वेनिगर जिसका यूज एज अ प्रिजर्वेटिव किया जाता है प्रिजर्वेटिव इन द सेंस कि हम लोग पिकल्स वगैरह बनाते हैं या फिर अब फूड आइटम्स वगैरह कुछ बनते हैं जिनमें हम लोग क्या यूज करते हैं एसेटिक एसिड यूज करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स आ कंपाउंड ऑफ कार्बन ये इंपॉर्टेंट है कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ऑल द ऑर्गेनिक एसिड्स आ कंपाउंड ऑफ कार्बन जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं दीज आर दे आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इट इज अ फर्स्ट क्लासिफिकेशन सेकेंड वन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड स्ट्रेंथ मीन्स एसिड जो है वो कितना ज्यादा आपके लिए हार्मफुल है दैट मीन्स कि उस कितना ज्यादा पावरफुल है उसकी पावर कितनी है वो स्ट्रांग है या वीक है दैट शोज द स्ट्रेंथ वो क्या शो करता है स्ट्रेंथ शो करता है आपका स्ट्रोंग एसिड एंड एसिड विच इज़ वेरी रिएक्टिव एंड शोज एसिडिक नेचर रेडली इज कॉल्ड स्ट्रोंग एसिड वो एसिड्स जो आपके क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एंड शोज अ एसिडिक नेचर और वो क्या शो करते हैं एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं और रेडली मींस होता है कि जब तुरंत उनका जो बिहेवियर होता है बहुत ज़्यादा तेजी से वो अपने बिहेवियर को शो कर देते हैं दैट एसिड्स आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो सारे आपके कैसे होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं एसिड डिजोल्व इन वाटर एंड रिलीज मोर हाइड्रोजनाइज्ड एक सिंपल वे ये भी बोल सकते हैं कि वो एसिड्स जो आपके क्या कहते हैं कि वाटर में डिजोल्व जिनको किया जाता है और वो ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन आयन्स देते हैं द एसिड्स विच डिजोल्व इन वाटर टू रिलीज अ मोर हाइड्रोजन आयन्स बिकॉज ऑफ एक प्रॉपर्टी होती है एसिड्स की कि जब आप इनको क्या कहते हैं कि वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो क्या कहते हैं आपको क्या देते हैं हाइड्रोजन आयन्स रिलीज करते हैं दे शोज दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स नॉन एक्स वीक एसिड मैं हमने स्ट्रॉन्ग के बारे में पढ़ा तो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी वो होगी वीक एसिड्स की वीक एसिड्स विच इज लेस रिएक्टिव एंड शोज एसिडिक बिहेवियर वो जो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं जैसे अगर आपको वेनीगर है आप उसको खा लेते हैं या लेमन जूस आपने देखा होगा ठीक है लेमन जूस बिकॉज ऑफ लेमन में भी आपका एसिड प्रेजेंट होता है द नेम ऑफ एसिड इज सिट्रिक एसिड विच वी हैव टू डिस्क इन अ प्रीवियस वीडियो ठीक है लेमन में आपका सिट्रिक एसिड होता है तो ये आप कैसे होते हैं आपके एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं दैट इज मीन्स लेस रिएक्टिव होते हैं बहुत कम इनका बिहेवियर शो होता है आप अगर लेमन जूस को वाटर में भी डिज़ोल्व करते हो ना तो आपको लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स शो करते हैं दीज आर कॉल्ड वीक एसिड्स ये आपके क्या होते हैं वीक एसिड्स होते हैं एंड ऑल द वीक् मोस्टली ऑल द वीक एसिड्स आर एडिबल ज़्यादातर वीक एसिड्स जो होते हैं वो एडिबल होते हैं उनको खाया जा सकता है वॉट आर कंसनट्रेटेड एंड डायल्यूट एसिड्स कंसनट्रेट और डायलूट एसिड्स क्या होते हैं बिकॉज ऑफ इट इज़ अ नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी कि ये भी एक प्रॉपर्टी है कि कंसनट्रेशन एंड डायलुटेशन दिस इज डिपेंड अपॉन द मिक्सिंग ऑफ द वॉटर मीन्स इट इज डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर मिक्सड इन अ एसिड बिकॉज वॉटर जो होता है एसिड को जब हम वॉटर में मिक्स करते हैं ठीक है जब हम एसिड को वाटर में मिक्स करते हैं तो वो उसकी कंसनट्रेशन को डिफाइन करता है मीन्स कितना ज़्यादा वो कंसनट्रेटेड है या वो डाइल्यूटेड uh, है दैट शोज नंबर वन इफ द सोल्यूशन कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड अमाउंट ऑफ वाटर अगर आपके सोल्यूशन में लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड होता है और लेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है दैट टाइप ऑफ एसिड इज कॉल्ड कंसनट्रेटेड एसिड उस एसड को हम क्या बोलते हैं कंसनट्रेटेड एसिड बोलते हैं मीन्स अगर आपने एसिड जब प्रिपरेशन करते हैं कंसनट्रेटेड एसिड की तो क्या करते हैं उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हम एसिड ले लेते हैं और लेस अमाउंट ऑफ परसेंटेज आपका वाटर होता है दैट टाइप ऑफ एसड इज नोन एज कंसेंट्रेटेड एसिड वेन दिस सोल्यूशन कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ एसिड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, अगर आपका जो सोल्यूशन है उसमें आपका लेस अमाउंट ऑफ आपका क्या कहते हैं कि एसिड होगा और लास्ट परसेंटेज जो है वो वाटर का होगा दैट शोज़ अ डायल्यूट एसिड वो आपका क्या शो करता है डायल्यूट एसिड शो करता है फॉर द एसिड और फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डायल्यूट एंड कंसनट्रेटेड एसिड मीन्स जब हम इस एसिड को प्रिपेयर करते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज़ आती है हम हर उसको रिमेंबर करके रखते हैं वाइल द प्रिपरेशन ऑफ द एसिड्स जब हम लैब में क्योंकि जितनी भी आपकी लेबोरेटरीज होती है जस्ट लाइक इन स्कूल लेबोरेटरी अगर आप स्कूल लैब में जाते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा कि जो एसिड्स आपके प्रिपेयर रखे होते हैं ऑल द आर डाइल्यूट एसिड वो सारे एसिड्स डाइल्यूट होते हैं वहां पर हम वाटर की परसेंटेज के हिसाब से उनको कॉन्सेंट्रेट और डाइल्यूट बनाते हैं एक्चुअल में जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होते हैं वो आपके क्या कहते हैं कि आपके लैब अटेंडेंट या फिर आपके टीचर को पता होता है कि उनको कहाँ रखा गया है ठीक है वो बच्चों को नहीं दिए जाते बिकॉज ऑफ़ इट इज़ हार्मफुल फॉर अस क्योंकि ये हम सभी लोगों के लिए क्या होते हैं हार्मफुल होते हैं दैट्स वाय ठीक वी विल प्रिपेयर कॉन्सेंट्रेट एंड डायल्यूट एसिड इन अ लेबोरेटरी ऑलवेज रिमेंबर दैट वी विल एड एसिड इन टू वॉटर मीन्स हम हमेशा वाटर में एसिड को मिक uh, करते हैं ठीक है थीके? ये नहीं कि मैंने क्या किया कि ये नहीं करते कि वाटर फिल कर लिया उसके बाद एसिड डालेंगे वी विल एड एसिड इन टू वाटर मीन्स हम हमेशा जो है वो वाटर में एसिड को ऐड करते हैं सॉरी एसिड में वाटर को ऐड कर ठीक है ऐसे हमने पहले वाटर फिल कर एसिड वाटर फिल कर लिया एंड देन अब हम उस बीकर में धीरे 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 क्या करेंगे स्लोली स्लोली वी हैव टू ऐड अ वाटर एसिड

ये थिंग आपके रिमेंबर करने वाला है पॉइंट कि एसिड हमेशा वाटर की प्रेजेंस पे अपने बिहेवियर को शो करता है इन द एब्सेंस ऑफ वाटर इट डज नॉट शोज बिहेवियर एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड ये ब्लू को किस में चेंज कर देता है रेड में चेंज कर देता है एसिड सोल्यूशंस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकसिटी एसिड जो है वो कैसा होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकसिटी होता है इलेक्ट्रिकसिटी को कंडक्ट करता है एसिड्स आर कोरोजिव इन नेचर इसका नेचर कैसा होता है कॉरोजिव होता है दैट्स वाई दे आर स्टोर्ड इन ग्लास कंटेनर्स नॉट इन प्लास्टिक और मेटल बॉटल्स कभी भी एसिड्स को अगर आप लैब में जाते हैं तो कभी आपने नहीं देखा होगा कि एसिड की जो बॉटल्स uh, होती हैं वो हमेशा ग्लास की होती हैं नॉट इन मेटेलिक मेटेलिक नहीं होती हैं वो बॉटल्स आपकी किस्में होती हैं मेटल ग्लास की होती हैं बिकॉज वो ग्लास से वो लेस रिएक्ट करता है वो ग्लास से रिएक्ट नहीं करता बट अगर हम मेटल या फिर कोई दूसरा प्लास्टिक लेते हैं तो वो ईजली क्या कर जाएगा उससे रिएक्ट कर जाएगा नाउ In next class we will discuss about the chemical properties of acid and the properties or the behavior or the nature of the base.